वन सेकेंड, वेलकम बैक फ्रेंड्स। मेरा नाम है नायाब और आप देख रहे हैं बीच फिटनेस। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेट्स गेट इनटू द बिजनेस। और कैसे है सारे लौंडे लपाटे, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कंपटीशन से पहले जो लड़के बल्किंग करते हैं, 3 मंथ्स या 3.5 मंथ्स का करते हैं बल्किंग, उसमें इंसुलिन किस तरह यूज़ किया जाता है। ध्यान रखना, इंसुलिन बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, लेकिन स्टिल बॉडी बिल्डिंग में इसका अब्यूज़ तकरीबन तमाम बॉडी बिल्डर करते हैं जो कंपटीशन खेलते हैं। वो लोग बोलते नहीं हैं बिकॉज स्टेरॉइड्स आपको ज़िंदा रहने का मौका देता है, लेकिन इंसुलिन आपको कोमा में ले जाता है, सडन डेथ होता है, आपको भी समझ में नहीं आता है। तो जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आप इसको अप्लाई मत करना अगर आप नए हो या कंपटीशन वगैरह नहीं खेलते हो या किसी कोच के अंदर आप काम नहीं कर रहे हो। ये वही बंदे ट्राई करना जो किसी कोच के अंदर काम कर रहे हैं, और ख़ुद से इसको अप्लाई मत करना। मैं ये नॉलेज सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए दे रहा हूँ। मेरा जो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप कभी मत यूज़ करो। एक्सपीरियंस बॉडी बिल्डर हो, सपोज़ करो आपके पास 4 मंथ्स है, आप एक्सपीरियंस बॉडी बिल्डर हो, आपके पास मसल मैच्योरिटी है, 3 मंथ्स आपको क्लीन बल्किंग करना है, 1 मंथ में आपको कटिंग करना है, तो यहाँ पर आपको इंसुलिन किस तरह यूज़ करना है। इंसुलिन 3 तरह के होते हैं, फास्ट एक्टिंग, मीडियल एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। यहाँ पर आपको लॉन्ग एक्टिंग चूज़ करना है। यहाँ पर आपको ह्यूमिलिन आर जो फास्ट एक्टिंग होता है वो आपको यूज़ नहीं करना है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, उसको वर्कआउट के बाद लगाया जाता है, उसका हाफ लाइफ बहुत कम होता है, तो वो आपको यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर आपको लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन यूज़ करना है जो लेंथस के नाम से आता है, जो 500 से 550 के बीच आपको मिल जाता है, और अगर वो आपके पास नहीं है तो 130 से 150 में आपको बाईफेजिक इंसुलिन मिल जाता है, वो 30x70 आता है उसका स्ट्रेंथ। ध्यान रखना, आप बाईफेजिक इंसुलिन 50x50 भी आता है, वो आप मत लेना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इंसुलिन का फंक्शन क्या है? इंसुलिन आपके जब भी आप कोई आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो या प्रोटीन खाते हो, तो आपका पैंक्रियाज उसी वक्त इंसुलिन आपके ब्लड में रिलीज़ करता है, और आपके और जो आप प्रोटीन खाते हैं उसको अमाइनो एसिड के फॉर्म में, और कार्ब जो लेते हैं उसको ग्लूकोज के फॉर्म में आपके मसल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है, और आपके बॉडी को इनडायरेक्टली ये फोर्स करता है मसल ग्रोथ करने के लिए। तो बॉडी बिल्डिंग में इसका अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको बॉडी बिल्डर्स या कोई भी कोच ये बताएगा नहीं, बिकॉज इसमें काफ़ी डेंजर्स इन्वॉल्व है, सडन डेथ होता है, बॉडी बिल्डर्स मर रहे हैं लेकिन बताते नहीं हो, बिकॉज इससे बॉडी बिल्डिंग का नाम ख़राब होगा, और वो जो एथलीट मरा है मरने के बाद भी उसका नाम ख़राब हो जाएगा। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में, बल्किंग में, जो इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर देखते हैं आप, यहाँ पर इंसुलिन को पेप्टाइड्स के साथ कंबाइन करके यूज़ किया जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इंसुलिन किस तरह यूज़ करना है ये बताऊँगा। मैं सपोज़ करके चलता हूँ कि आपके पास लेंथस है और आपके पास बाईफेजिक इंसुलिन है 30x70 जो लिली का आता है। यूज़ कैसे करना है? आपको यहाँ पर 5 IU से स्टार्ट करना है, जो आपको ब्रेकफास्ट जो खाते हैं उससे आधे घंटे पहले लेना है। 5 IU यहाँ पर लेना है आपको 5 दिन तक, उसके बाद डोज आप बढ़ाओ, 10 IU जाओ, फिर 5 दिन के बाद 15, फिर 20, 25 आप कभी मत जाना, 25 बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर आप एडवांस बॉडी बिल्डर हो, बहुत ज़्यादा अपने डाइट को देखते हो, अगर आप एडवांस बॉडी बिल्डर हो, अपने कार्ब वगैरह को मॉनिटर करते हो, प्रोटीन को मॉनिटर करते हो, तो आप ले सकते। ध्यान रखना, पर आयु इंसुलिन पर आपको 10 से 15 ग्राम ईजिली डाइजेस्टेबल आपको कार्ब लेना ज़रूरी है। लाइक आप वाइट राइस ले सकते हो और आप ओट्स ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बोलूँगा आप यहाँ पर लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन यूज़ करना। उसका फ़ायदा ये है कि ये आपको एक ही बार मॉर्निंग में लेना पड़ता है और आपके बॉडी में ये 9 से 10 घंटा रहता है, लेकिन जो लेंथस है वो क्लेम करता है कि 24 घंटा रहता है और वो पीक नहीं देता। पीक नहीं देता के मतलब कि आपका जो शुगर लेवल है वो ड्रॉप नहीं करता, लेकिन मैंने फील किया है ड्रॉप करता है रात में। तो वहाँ पर आपको मील रेडी करके रखना पड़ेगा ताकि जैसे ही शुगर ड्रॉप हो आप अपना कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर सके। और ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट आपको बाहर लेकर भी जाना पड़ेगा, अगर आप किसी ऐसा काम करते हैं जो आपको बाहर जाना पड़ता है तो कार्बोहाइड्रेट आपको लेकर चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ इंसुलिन कभी यूज़ मत करना। तो आप ब्रेकफास्ट से आधे घंटे पहले लेना, उसके बाद पहला मील लेना, ओट्स बनाना विथ एग वाइट्स ले सकते हो, या प्रोटीन जो आप इस शेक लेते हैं वो लेना, फिर 2 से 2.5 घंटे के बाद आपको फिर एक ऐसा मील लेना पड़ेगा जिसमें कार्ब हो, प्रोटीन हो और सलाद हो या ग्रीन जूस हो जो वेजिटेबल का जूस होता है।
उससे 1.5 या 2 घंटे के बाद जो लंच है वहाँ पर आपको बिग मील लेना पड़ेगा, चिकन राइस सलाद और कर्ड वगैरह लो। उसके बाद जो मैंने फील किया है आपका शुगर ड्रॉप नहीं होता है शाम तक, तो ये बहुत सेफ़ है। एक ही बार लेना मॉर्निंग में काफ़ी सेफ़ है। अगर आप काम करते हो या कहीं जाना है आपका तो आपको कार्ब लेकर जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप इंसुलिन का यूज़ मत करना। और इस तरह आप 3 मंथ बल्किंग करते हो, एनाबॉलिक्स भी चल रहा है, इंसुलिन भी चल रहा है, 3 मंथ्स बल्किंग करते हो, और जब आप कटिंग करते हो तो इंसुलिन को आपको छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर लो कैलोरी डाइट पर हो आप, कार्ब वगैरह कम खा रहे हो, तो वहाँ पर आपको लेना ही नहीं है, अदरवाइज़ आप लोगे तो कोमा में जाने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और जब आप बल्किंग कर रहे हो और जब आप इंसुलिन यूज़ कर रहे हो तो आपको सोना नहीं है, क्योंकि कब आपका शुगर लेवल ड्रॉप होगा, कब आपका हाथ शिवरिंग करना लगेगा, कब आपको पसीना आने लगेगा, तो उस वक्त इतना टाइम नहीं मिलता कि आप कार्बोहाइड्रेट का इंतज़ाम करो या कुछ करो। अगर आप घर पे रहते हो, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो, तो अपना कार्ब आपके जो बेड है बगल में ही रखना, क्योंकि आप सोचोगे उस वक्त बनाने का टाइम नहीं रहेगा, हाथ में पसीना आएगा, शिवरिंग होगा, आप उसी वक्त कोमा में चले जाओगे। सो बल्किंग में इस तरह यूज़ किया जाता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का। इंसुलिन आपके बॉडी को फोर्स करता है ग्रोथ करने पे। आप जो खाते हो, आप जो कार्ब और प्रोटीन लेते हो, वो मैक्सिमम अमाउंट पर आपका जो मसल टिश्यू है वहाँ पर ये पहुँचाता है और आपके बॉडी को फोर्स करता है आपके बॉडी को ग्रोथ करने पर। सो इंसुलिन सभी बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं, सदियों से यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक हिडन टॉपिक है। तो कोई बंदा अगर बल्किंग करना चाहता है कोई कंपटीशन के लिए, तो आप इंसुलिन का यूज़ कर सकते हो। ध्यान रखना, जब आप इंसुलिन यूज़ करते हो तो थोड़ा सा वाटर रिटेंशन होता है आपके बॉडी पे, और इंसुलिन यूज़ करने का मतलब ये नहीं कि अपने डाइट को बर्बाद कर लो। आप फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब के चक्कर में आप सिंपल कार्ब्स खाने लगो, उल्टा सीधा शुगरी प्रोडक्ट खाने लगो। अगर उस तरह से आप डाइट करोगे तो आपका वाटर टेंशन बहुत ज़्यादा होगा, फैट भर जाएगा आपके बॉडी पे। तो यहाँ पर ख्याल रखना है कि आपका जो मील हो क्लीन हो, ओट्स वगैरह हो कार्ब के फॉर्म में, कुछ नहीं होता है। आप इंटरनेट पे पढ़ोगे कि आप वाइट राइस वगैरह बहुत ज़्यादा खाओ, सिंपल कार्ब खाओ, वो सब बिल्कुल भी गलत है। आप कॉम्प्लेक्स कार्ब खाओ और अपना मील टाइम पर लो। सो ये यूज़ करते हैं सारे बॉडी बिल्डर्स बल्किंग में इंसुलिन को, कोई GHRP6 के साथ यूज़ करता है, और ग्लाइकोजन बहुत बड़ा कर देता है उनके बॉडी को और बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है, और कटिंग करते वक्त मसल लॉस नहीं होता बिकॉज बल्किंग में उन्होंने तगड़ा बल्किंग किया है। सो इसी तरह इंसुलिन यूज़ किया जाता है कॉम्पिटिशन से पहले बल्किंग में। सो दैट्स इट फ्रेंड, मैंने एक आपको नॉलेज दिया। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो रेड बटन निकल गया उसको भी टक 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 ज़रूर दबाना।